किया। इलाही आज 22 ज़िलहज शरीफ अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के दरबार मुबारक के इहाते से आज 22 ज़िलहज की शाम आई है, आज शहादत की शाम आई है, आज उस अजीम सपूत की शहादत के दर पर शाम आई है जिसने हमें एक साल और दोबारा 22 ज़िलहज्जा का गुरूब आफ्ताब उन्हीं के दर पर देखना नसीब किया है। ऐ मालिकों के मालिक, हमें हमारे बच्चों को, नस्लों को, अहले सिंध को, अहले मेहरान को, अहले पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को इस दरवेश इमामजादा की हस्ती मुबारक, उनकी सियादत, उनका नस्ल, उनकी खिदमात और उनकी वजह से जो ये खिताए सिंध हिंद तक शर्फ इस्लाम हुआ है, हमें उनकी खिदमात अब आने वाली नस्लों को समझाने की तौफीक अता फरमा। मालिक, उनके दर से तूने जो फैज जारी फरमाया है, जो लोगों की हाजत रवाई अपने हुक्म और उनकी दुआ से तू फरमाता है, मालिक उस फैज में हमें गाजी बाबा की मोहब्बत को हमेशा जारी और सारी फरमा। ऐ मालिकों के मालिक, हमें मुआफ फरमा दे, पाकिस्तान पर रहम फरमा दे, इस मुल्क को शर पसंद सियासतदानों से बचा ले, इस मुल्क की मट्टी और खुशबू को शर पसंद उलमा-ए-इकराम से बचा ले, इस मुल्क को आले रसूल का, औलिया अल्लाह का, कलंदरों का, दरवेशों का, नबी जादों का और सबसे बढ़कर जामे शहादत हुसैन करबला आले रसूल की शहादत का बस ठहरा दे। इलाही, हमें ये एहसास हमारे दिलों में रोशन फरमा दे कि आज हम आले रसूल की शहादत की वजह से मुसलमान हैं, हम उनकी शहादत की वजह से नमाजी हैं, हम उनकी शहादत की वजह से हुफाज हैं, उनकी शहादत की वजह से मस्जिदें अजारे देती हैं और मालिक सबसे बढ़कर हम उन्हीं की औलाद की जूतियों का सबका जब खाएं तो इलाही हमें तेरा शुक्र उनके एहसास के साथ करने की तौफीक अता फरमा। हमारे कफन में कोई जेब नहीं है, इसी तरह हमारे पास जितने सवाल तूने तैयार कर रखे हैं तेरे किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। हमने जिंदगी जो कुछ पाई है, जो कुछ कमाई है, ना न्याज तेरी इबादत के मुताबिक की है, ना सदका तेरी इबादत के मुताबिक किया है, ना मोहब्बत तेरे हुक्म के मुताबिक की है, ना हमसायों से, रिश्तेदारों से, लोगों से उस तरह बर्ताव किया है जो बर्ताव करने का हक था। गज़िए जो इबादत का हक था मालिक, जिसके लिए तूने कुरान में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं खल्क किया तुम्हें जिन और इंस महज इसलिए कि मेरी इबादत करो। मालिकों के मालिक, मरने से पहले तुमसे इस्तदा करते हैं, गाजी का वास्ता देकर हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, हमें माफ फरमा दे। आमीन। हमें हमारे माँ बाप के माँ बाप को आज 22 ज़िलहज शहादत पर जो बढ़ता है, इलाही उस सबके से पाकिस्तान को, आने वाले को, ज़ायरीनों को इलाही महरूम ना फरमा। इलाही जो लोग देख रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से देख रहे हैं और इस दुआ में शामिल हैं, इलाही गाजी बाबा के फैज़े अनगिनत से, फैज़े लामहदूद से कभी महरूम ना फरमा। रोहंगा को, म्यांमार को, बर्मा को, चाइना को, इलाही खुसूसन हिंदुस्तान में जो लोगों पर, मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इलाही खुसूसन दुनिया भर के मुल्कों में मुसलमानों की सिर्फ लिसानी नहीं, उनकी मुसलमान होने पर उन पर जो जुल्म और जबर किया जा रहा है, इलाही खुसूसन हमारे उस खित्ते को जो पाकिस्तान की शहरग है, इलाही उस कश्मीर को फिर से आजाद फरमा दे। आमीन। इलाही गाजी बाबा की शहादत पर सिंध की धरती में, पाकिस्तान के नक्शे पर कश्मीर को फिर से लौटा दे। आमीन। उनके शहदा के लिए अब कश्मीर में दफनाने के लिए जगह बाकी नहीं रही है। ऐ मालिकों के मालिक, आज की शहादत के बयान और उनके उर्स की आज शब से जितनी दुआएं तेरे अर्श पर पहुंचे, इलाही उसमें कश्मीर की आजादी लिख दे, उसमें कश्मीर की आजादी फरमा दे, लोगों के सिफल जादू से उनको महफूज करवा दे, जो सूद में फंसे हैं वो सच्चे दिल से तौबा करें तो उन्हें सूद से आजाद फरमा दे, जिनके माँ बाप उनसे नाराज थे, अकरबा नाराज है, इलाही उनकी रजा, उनकी उनकी नाहकती, उनकी हक तलफी को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे, जो सफर कर रहे हैं सफर में है, इलाही उनके सफर को आसान फरमा दे, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, कोंगो वायरस, H1N1, स्वाइन फ्लू, हेपेटिक लिवर, हेपेटाइटिस,
फाइब्रोडोमा, न्यूरोफाइब्रोडोमा, न्यूरोफाइब्रोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, किसी की एंजियोप्लास्टी हो, किसी की एंजियोग्राफी हो, किसी को डायलिसिस हो, किसी को डायलिशन हो, किसी को मेजर थैलेसीमिया है, माइनर थैलेसीमिया कैरियर है, वो जो इंसुलिन लगाते हैं, वो जो ज़ियाबती डायबिटिक है, वो जो आईसीयू वार्ड में, जो सीसीयू वार्ड में, जो जिना अस्पताल लियाकत और नेशनल अस्पताल की रहदारियों में पड़े, जिनके पास इलाज के वसाइल नहीं है इलाही, वो आवा खान में, वो ज़ियाबती में इलाज नहीं करा सकते इलाही, मालिकों के मालिक आज इमाम जादे सैयद जादे की उठने वाली दहलीज से इलाही उन्हें महरूम ना फरमा, हर किस्म के कैंसर को बेहतरी के साथ आसान फरमा दे, खुसूस नई नस्ल के गुटके को रुख्सत फरमा दे, माफ फरमा दे उस वक्त से पहले जब लोग हमें कांधों पर उठाकर ले जाएं और गड्ढे में दफन कर दें, उस वक्त से पहले माफ फरमा दे जब लोग हमारे नाम की अगरबत्ती लगाना भी छोड़ दें इलाही, उस वक्त से पहले माफ कर दे जब हमारे लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला ना हो इलाही, हमें हमारी औलाद की मोहताजी से भी बचा ले इलाही, हमें अगर मोहताज फरमा तो अपने नबी की औलाद का मोहताज फरमा, अपनी नबी की शफातों का मोहताज फरमा, और कल कयामत के दिन जब सरकार अपनी औलाद और नवासों को लेकर मीजान के सामने पे पहुंचे और उनकी औलाद उनके नबीजादे दुनिया के कोने कोने में, जब करबला से इमाम हुसैन आए, जब जन्नतुल बकी से इमाम हसन आए, इमाम जाफर सादत, इमाम बाकर, हुजूर ज़ैनुल आबिदीन आए, और करबला से मौला अबू फजल अब्बास अलमदार तुदूर हो, शाम से सैयदा ज़ैनब आए इलाही, और जब सिंध से अब्दुल्ला शाह गाजी तुदूर हो, तो इलाही हमें उनके अलम पाक में इस सफर में जगह अता फरमा, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, मालिकों के मालिक माफ फरमा दे, दिलो जान से पढ़ते हैं सलाम पढ़कर तेरी बारगाह में, बादशाह अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नबा दस्त दर दस्त यजीद, खाके बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलवल्लुला बे कमाले ही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बे जमाले ही, नैन जाने फातिमा हसनत जमीओ किसाले ही, नी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम, लाहूत निशाना करते हैं जो तकसीम मोहब्बत का खजाना, शहबाज कलंदर जिन्हें कहता है जमाना, एजाज में वो ईसवी और हुस्न में वो यूसुफी, मौलूद काबा शेर खुदा मर्द जरी काबे का बुत शिकन, दोशाए नबी पे है कदम वो काबे के तोड़े बुत सनम, जो शहर यार शहर इमामत है वो अली, जिसके गजब का नाम कयामत है वो अली, जिसने गदागरों को तबंगर बना दिया, अरे बेधर को छू लिया तो अबू जर बना दिया, ईमान और कुफर में जो निशान तमीज हो, खुद अपनी जात से जिसे हक अजीज हो, सब लोग जिसको शहर नबूवत का दर कहें, बिखरी है जिसके रुख पे खुदा की निशानियां, वो जिसके बचपने पे हों कुर्बा जबानियां, वो बाप शहर इल्म पैगंबर है वो अली, मेरी अकीदतों के लिए आस्ता अली, वो रस्म सखावत जो तेरे दर से चली, डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमन, जिसके लहू से चेहराए आलम निखर गया, खतरों को ओढ़कर जो सरे शाम सो गया, के बिस्तर रसूल का है जिसे वजह इफ्तिखार, अरे फयाज इतना मौला अली है कि जब कोई कतरा तलब करे तो समंदर उछाल दे, वो दस्त को खिजा में बहारे अता करे, और जाने से पहले वो दस्त को खिजा में बहारे अता करे, घबरा के रंज गम से हिम्मत न हारना, वादा कीजिए घबरा के रंज गम से हिम्मत न हारना, मुश्किल पड़े कोई तो अली को पुकारना, आता है उनको बिगड़े मुकद्दर संवारना, ऐ वाजी ये कायनात
انہی آل رسول کے بدن کی زکات ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اصحابہ اخوانہ اہل بیتہ اہل طاعتک اجمعین من اہل السماوات والارضین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 سلام آمین۔ نہایت تحمل سے یہی بیت